The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Vitamin A. Kya hai vitamin A and what is important about it? See, vitamin A is a fat-soluble vitamin which is stored in your liver. So, fat-soluble vitamin hai ye, water-soluble nahi hai. Hamare shareer mein 4 fat-soluble vitamins hain, A, D, E, K, aur 2 water-soluble hai, B complex aur C. So, A, D, E, K mein pehla hai A. Aur agar aap dekhenge, so, 2 tarike ke A hote hain. Basically, there are 2 types of vitamin A जो diet में पाए जाते हैं, right? एक होता है preformed vitamin A जो पहले से बना हुआ है, जो के animal products में पाया जाता है, जैसे के meat, fish, poultry, eggs और आपकी dairy products, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, ये है preformed जो पहले से बना हुआ है. Plant based जो foods होते हैं, उसमें प्रो विटामिन ए होता है, प्रो विटामिन ए, और ये सबसे इसमें भी सबसे कॉमन होता है बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन एक तरीके का विटामिन ए है जो कि प्लांट प्रोटीन्स प्लांट में होता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. सो विटामिन ए इन दोनों में से किसी से आ सकता है आपके शरीर में, और ये एक डाइटरी सप्लीमेंट में भी आ सकता है. आप जो कैप्सूल्स खाते हैं जिनमें किसी तरीके का रेटाइनल एसीटेट, रेटाइनल पाल्मिटेट, या फिर जो के एक तरीके के प्रीफॉर्म्ड विटामिन्स, विटामिन ए का फॉर्म है जो एनिमल प्रोटीन्स में होता है, एनिमल में होता है, और बीटा कैरोटीन भी हो सकता है जो प्रो विटामिन ए है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है आप अगर कोई कैप्सूल लेते हो तो उसमें. सो क्यों जरूरी है विटामिन ए? कोई भी और चीज समझने से पहले यह समझना ज्यादा जरूरी है कि विटामिन ए क्यों जरूरी है. सो विटामिन ए हेल्प करता है बहुत सारी चीजों को, आपके दांतों को, हेल्दी टीथ, स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यू मतलब हड्डियों को, और सॉफ्ट टिश्यू मतलब मांसपेशियों को, स्किन को, जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं बॉडी में, स्किन, मांसपेशी, मसल्स, स्केलेटन, हड्डियां, म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर का म्यूकस है पूरा मुंह के अंदर, एनस के अंदर सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स, सॉफ्ट टिश्यूज, आईज, इन सब को, इवन स्किन जो मैंने कहा, उनको हेल्प करता है उनको बनने में और मेंटेन रहने में, बहुत जरूरी, राइट. और क्योंकि इसका एक और नाम है रेटिनॉल. रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल एक तरीके का पिगमेंट है जो कि आईज के लिए, रेटाइना के, आंख के पीछे का जो पर्दा है रेटाइना, उसके लिए बहुत जरूरी है, राइट. और इसीलिए विटामिन ए आपकी अच्छी आईसाइट के लिए बहुत वेरी गुड फॉर योर आईसाइट, स्पेशली इन लो लाइट, जब लाइट कम हो तब. और इट आल्सो हैज अ रोल इन हेल्दी प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग. बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, हेल्दी लेकिन एक लिमिट में, राइट. और जैसे हमने कहा विटामिन ए 2 तरीके के फॉर्म में है, एनिमल फॉर्म जिसको हम ज्यादातर रेटिनॉल्स कहते हैं, रेटिनॉल्स, और जो प्लांट फॉर्म है वो कैरोटिनॉइड्स है, कैरोटिनॉइड्स जो डार्क कलर्ड पिगमेंट होता है जो प्लांट फूड में मिलता है, राइट. वो हमने जैसे बीटा कैरोटीन, सो बीटा कैरोटीन अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट भी है. एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो अपने सेल्स को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल डैमेज से, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्लूटाथियोन करता है, जैसे विटामिन सी करता है, वैसे बीटा कैरोटीन करता है. फ्री रेडिकल्स बहुत सारी बीमारियों के कारण है, जैसे कि आपकी लॉन्ग टर्म बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इवन उम्र बढ़ने में भी फ्री रेडिकल्स का काम है एजिंग में. सो बीटा कैरोटीन खाना अच्छा है, फ्रूट फूड्स यानी कि सैलेड खाना बहुत अच्छा है. तो इसी के साथ साथ आपके कैंसर के रिस्क भी कम होते हैं अगर आप बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए प्लांट फूड सोर्स से ज्यादा खाएं. सो सोर्सेस क्या क्या होंगे? अगेन मैंने सोर्सेस आपको बता चुका हूं ज्यादा, लेकिन बेस्ट सोर्स मैं आपको बताना चाहूंगा. वैसे विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स है वो होता है कॉड लिवर ऑयल, एग्स,
फोर्टिफाइड सीरियल्स जिनमें ऑलरेडी विटामिन ए डाला हो एक्स्ट्रा, फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क, ऑरेंज या येलो कलर की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ऑरेंज येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ब्रोकली स्पिनिच डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें ज़्यादा होता है सबसे। इसके अलावा जितना डीप कलर होगा, जितना गाढ़ा रंग होगा सब्जियों का, उसमें उतना ज़्यादा बीटा कैरोटीन होगा, याद रखिए। इसलिए अलग अलग प्रकार के रंग की आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए। और याद रखिए, ये जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में बीटा कैरोटीन है वो फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो ये बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन उसमें एक ज़रूरत है कि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा किसी फैट के साथ खाएं, तो फिर ये एब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छे, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ए डी ई के, राइट। सो एब्जॉर्प्शन इज इम्प्रूव्ड इफ दीज सोर्सेज आर ईटन विथ फैट। इसीलिए सैलेड में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं, इसीलिए सब्जी को पकाने के लिए तेल डालते हैं, तो इसीलिए कुकिंग विदाउट ऑयल इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। एक चम्मच तेल, कम तेल अच्छा है, तलना भी खराब है, मिनिमम तेल अच्छा है, राइट ना। अब अगर डेफिशिएंसी हो गई कि विटामिन ए नहीं है तो क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए आप यहां आए हैं। तो अगर विटामिन ए उतना नहीं है जितना चाहिए, तो आपको आंखों का प्रॉब्लम होना शुरू होगा, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस रिवर्सिबल होगा विटामिन ए डेफिशिएंसी वाला, क्योंकि आपने अगर कर ली उसको, वापस पूरा कर लिया डेफिशिएंसी को, तो नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो सकती है। और नाइट ब्लाइंडनेस के साथ, यानी रात को नहीं दिखना, बेसिकली ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी और ज़्यादा हो गई, तो इसको एक ज़ीरोप्थैल्मिया नाम की बीमारी हो जा सकती है, जिसमें कि आपका आंखों का कॉर्निया है वो डैमेज हो सकता है, और वो नॉन रिवर्सिबल हो सकता है। सो आई डैमेज सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। और इसी के साथ विटामिन ए डेफिशिएंसी से स्किन खराब हो सकती है, स्किन में हाइपर केराटोसिस, यानी कि ड्राई स्किन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्राई और स्केली, यहाँ तक कि पपड़ियाँ निकलने लगेगी स्किन में, इतनी ड्राई स्किन हो सकती है विटामिन ए डेफिशिएंसी से। तो जिनको ड्राई स्किन है उनको विटामिन ए बीटा कैरोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। और अगर मान लो आपने ज़्यादा ले लिया, बहुत ही मात्रा में ले लिया विटामिन ए, टू मच विटामिन ए ऑल्सो इज बैड, वो भी आपको बहुत बीमार कर सकता है। लार्ज डोज अगर आपने ले लिया, एक अगर लेडी ने लिया, माता ने, प्रेग्नेंट लेडी ने लिया, तो उनके बच्चों को बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स। अगर बहुत ज़्यादा विटामिन ए एक्यूट पॉइजनिंग है ले लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, जिसमें कि हंड्रेड जो थाउजेंड यूनिट्स आपने विटामिन ए के बहुत सारे ले लिए, तो वो एक तरीके की पॉइजनिंग हो सकती है आपको, जो कि खतरनाक हो सकती है। क्रोनिकली अगर बात करी, क्रोनिक विटामिन ए पॉइजनिंग तब होती है अगर आपने 25,000 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में खाना शुरू किया रोज़ाना, तो क्रोनिक पॉइजनिंग होगी। वो दोनों ही आपके लिए काफ़ी ख़राब है, आपकी बॉडी के लिए, आपके लिवर, आपकी किडनी, आपकी स्किन, सबके लिए ख़राब है, डैमेज करेगी परमानेंटली। बच्चे और जो बेबीज़ हैं, छोटे बेबीज़ ज़्यादा सेंसिटिव है विटामिन ए के साथ, तो इसीलिए अगर वो थोड़ा सा भी डोज ले लेते हैं विटामिन ए का, तो उनकी बहुत अच्छा स्किन में इफ़ेक्ट दिखता है। सो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए रेटिनॉल वाली स्किन क्रीम्स उस पर ज़्यादा असर करती है बच्चों में और चिल्ड्रन में, बड़ों में भी असर करती है। इसलिए आपने देखो रेटिनॉल वाली स्किन क्रीम आती है स्किन को अच्छा रखने के लिए, राइट। और ज़्यादा अमाउंट अगर आपने बीटा कैरोटीन का भी ले लिया, राइट, तो भी वो आपके साइड इफेक्ट करेगा। और एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट उनका है कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन का कलर हो जाता है आपका ऑरेंज येलो ज़्यादा बीटा कैरोटीन लेने से। और ये टेम्पररी है, जब आपने बीटा कैरोटीन का सप्लीमेंट लेना बंद कर दिया, तो वो धीरे 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 स्किन कलर आपका हो जाएगा नॉर्मल, इवन येलो यूरिन हो सकता है, यूरिन येलो आ सकता है। वन ऑफ द रीजंस, जो एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग रीजन है, वन ऑफ जो आप मल्टीविटामिन लेते हो तो येलो यूरिन आता है। तो कितना लेना चाहिए, अल्टीमेट पॉइंट कितना विटामिन B12, विटामिन ए का रिकमेंडेशन कितना होना चाहिए, तो फटाफट बता देते हैं आपको। सो डेली रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए का, जो डेली आपके शरीर में जाए, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेरी, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, इन सब में थोड़ा थोड़ा होता है, फूड ऑलमोस्ट हर खाने में थोड़ा थोड़ा है, तो अच्छी मात्रा में बैलेंस फूड लेंगे तो बहुत अच्छा, जितनी गाढ़े रंग की सब्जियाँ उतना अच्छा, राइट। तो एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए, एक इन्फेंट छोटा बच्चा है,
छः महीने तक उनको 400 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए विटामिन ए, 12 महीने तक 6 महीने 7 महीने से 12 500 माइक्रोग्राम चाहिए, और एक साल से लेके 3 साल तक 300 माइक्रोग्राम चाहिए, 4 से 8 साल में 400, 9 से 13 साल में 600, और एडल्ट्स को 14 साल से ऊपर के उम्र वाले लोगों को 900 माइक्रोग्राम्स पर डे चाहिए, फीमेल्स को 700 माइक्रोग्राम्स, मेल को 900, फीमेल्स को 700, प्रेगनेंसी के टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है फीमेल्स की 1300, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है 1300, राइट। तो ये ज़रूरी चीज़ें आपको समझना प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में। लेकिन हाउ मच ऑफ ईच वाइटामिन यू नीड डिपेंड्स अपॉन योर एज, जेंडर एंड मैनी अदर फैक्टर्स, राइट, प्रेगनेंसी, आपकी हेल्थ। तो हमेशा अपने, अगर वाइटामिन्स को असेसमेंट चाहिए तो अपने फिजिशियन से हमेशा इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। विटामिन ए जो है उसका नाम आप रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीन, इन नाम से आप उनको जान सकते हैं। डेफिशिएंसी के साइड इफ़ेक्ट्स, काम कैसे, सब कुछ आपको इस वीडियो में समझा दिया गया है। वीडियो अगर इसकी नॉलेज समझ में आई, पसंद आई, तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर ज़रूर करें इस नॉलेज को, और अपने सवाल नीचे लिखें ताकि हम वो सवालों का जवाब देने की कोशिश करें।